दूसरा भी कोई कारण है तो उसको भी हटाओ, तो बोलो ये नहीं, सबको निकालो, ये दूसरा भी कोई कारण तो निकलवाओ। नोटा का क्या मतलब मैडम? बीजेपी का सांसद ही बनेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। कृपा करके पार्टी चाहे जो हो, लोकतंत्र इंदौर का सम्मान बचा रहे, इसके लिए एहसास कराओ और नोटा में बटन दबाओ। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट का चुनाव देश भर में सुर्खियों में आ गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इंदौर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस नोटा होना है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी के दिन अपना नामांकन वापस लेने के बाद अब ये पूरा चुनाव नोटा वर्सेस बीजेपी हो गया है। कांग्रेस ने इंदौर की जनता को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर की जनता से इस बात की अपील की है कि इंदौर शहर में राजनीतिक माफियागिरी हावी हो गई है और इंदौर की जनता ने स्वच्छता के नाम पर देश में जिस तरीके का संदेश दिया है उसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में नोटा पर वोट देकर राजनीतिक माफियागिरी के खिलाफ एक बड़ा संदेश दें। हर धर्मिता की पराकाष्ठा होगी और राजनीतिक माफिया राज इंदौर शहर पे छा जाएगा। मैसेज दो, कृपा करो, जीत हार तो जो होनी है हो गई, हम तो है नहीं। बीजेपी का सांसद ही बनेगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर आपका एक मत नेताओं की अक्कल ठिकाने लाएगा, हम जैसे लोगों को अहंकार रहित रखेगा। कृपा करके पार्टी चाहे जो हो, लोकतंत्र इंदौर का सम्मान बचा रहे, इसके लिए एहसास कराओ और नोटा में बटन दबाओ। वहीं इंदौर शहर में कांग्रेस के नोटा के प्रति वोट डालने के अभियान के खिलाफ बीजेपी भी अब मैदान में आ जाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीडी शर्मा ने कहा है कि कोटा सिक्का उनका है और हम वोट नोटा को दें। दरअसल बीजेपी अब जीतू पटवारी के इस अभियान को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इंदौर लोकसभा सीट पर 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के वोट फॉर नोटा के कैंपेन को लेकर अब इंदौर शहर देश भर में सुर्खियों में जरूर आ गया है। लोकमत के लिए भोपाल और इंदौर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।